धान से तिरंगा बैच बनाने की मांग को लेकर जीविका स्व सहायता समूह की महिलाएं जनदर्शन में पहुंची और ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने एवं लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को जीविकोपार्जन करने के उद्देश्य को लेकर सोमवार को जीविका स्व सहायता समूह बोरसी की महिलाएं जनदर्शन में पहुंची और दुर्ग कलेक्टर से धान से तिरंगा बैच बनाने और विभिन्न स्कूलों में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में शहर विधायक अनवोरा से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुलाकात कर अपनी बातें रखी और विधायक को भेंट स्वरूप धान से बने बैच को लगाया। इस संबंध में स्व सहायता समूह की सदस्य ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरा नाम श्रीमती लवेश्वरी साहू है, हम जीविका महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हैं और हम 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर अपने समूह द्वारा धान से बने हमारा बैच है जो जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान है उसे हम हर घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में हमने धान का बैच बनाया जो लोगों तक हम 10 रुपये में दे देकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी हम अपना एक स्वीकृति पत्र लेकर के आए हैं कि हमें अनुमति प्रदान की जाए। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।